वालेकुम रहमतुल्लाह वरकुतु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं बटाटा सैंडविच बना रही हूँ। ये आधा किलो बटाटा है, इसको मैंने उबाल के छील के ऐसा कुचरा बनाई हूँ। और ये बेसन है, ये बेसन है, ये बेसन में मैंने कोतमीर, मिर्ची, हल्दी, नमक और खाने का सोडा और मिर्ची थोड़ी लाल मिर्च डाल के इसको मैंने एक घंटा पहले कलाई बेसन, मैंने पाव किलो बेसन ली, आधा किलो आलू है, ये तेल है तलने के लिए, और इसको कला के मैं ढाक के रखी थी इसके लिए कि ये फूकने के लिए। तो अभी ये फूक के आ गया। अभी देखो ये बघारने के लिए ये बटाटे में नमक जाएगा। बघारने के लिए ये है जीरा है, हल्दी है, राय है और पुदीना है और कोतमीर है, और ये मिर्ची, ये अदरक और ये लहसुन मैंने इसको चॉप करके भी लेती हूँ और फिर भून के आपको मसाला, सैंडविच का मसाला बता रही। और ये ब्रेड पूरा अखा ब्रेड है, ये अखा ब्रेड बनाऊंगी। ये देखो ये मैं चॉप करके लिया, लहसुन मिर्ची अदरक चॉप करके ली। अभी मैं आपको बता रही ऐसा बघार देने का। ये तेल डाली एक चम्मच, गरम हो गया। अभी मैं राय डालूंगी, अभी जीरा डालूंगी, एक एक चम्मच है राय जीरा। मैं पुदीना डालती, अभी हल्दी डालती हूँ, एक चम्मच हल्दी है। अभी ये सब मिक्स हो गया, ये मसाला भुनने का, इससे वड़ा पाव भी बन सकता है और सैंडविच भी बन सकता है। ये वड़ा पाव सैंडविच का मसाला है, बहुत टेस्टी लगता है ऐसा भून के लेने का। अच्छा भुनने का खुशबू देखो कितनी अच्छी आ रही। ये देखो ये बटाटे में मसाला डाल सैंडविच बनाने के लिए। अभी मैं इसको मिक्स करूंगी। ये देखो कोतमीर इसमें डालने का। ये देखो इसको डेढ़ चम्मच तेल लेके अभी इसको अच्छे से भूनने का, इसको अच्छे से भूनने का फिर सैंडविच में बनने का, तो बहुत टेस्टी लगेगा और बहुत अच्छा लगता है। एक खाने की बजाय इंसान चार चार खाता है। ये देखो अच्छा भूनने का, इसको फास्ट गैस पे मिक्स करने का। ये देखो ये मसाले के वरे भी बन गए, गोल बनाने का, थोड़ा चपटा दबाने का। और ये देखो सैंडविच, वही मसाले के सैंडविच भी बन गए। ये देखो मैंने सैंडविच भरी, देखिए ऐसा भरने का और उसके ऊपर ये रख देने का। अभी ऐसा उसको काटने का और फिर अपन बेसन का बताई ना आपको, उसमें डाल के तलने का। ये देखो इसको सैंडविच बोलते और वड़ा पाव बोलते। मैं वरे भी बता रही हूँ आपको और सैंडविच भी बता रही हूँ। ये देखो बेसन जो मैंने कला के रखी थी ना एक घंटा पहले, ये देखिए पहले मैं इसमें वरे तलूंगी और उसके बाद मैं सैंडविच तलूंगी। अभी देखो तेल गरम करने रखी, गरम हुआ क्या देख रही हूँ। देखो एकदम फास्ट रखने का और गरम करने का, देखिए गरम हो गया। अभी मैं वरा तल रही हूँ। तो देखो इसमें सब बेसन में डुबाने का, इसमें लाए रमान रही। चार वरे बने, एक ब्रेड के सैंडविच बने।
आधा किलो बटाटा और आधा किलो बेसन में। ये देखो 5 मिनट लगे, हाँ वरे बन के तैयार, देखो फर्स्ट क्लास वरे। ये देखो ये सैंडविच ऐसा तलने का, ये देखो देखिए ऐसा छोड़ने का तेल में, सैंडविच को ऐसा पकड़ने का, ऐसा डुबाने का, ऐसा डुबाने का, फिर ऐसा डुबा के तेल में, ये देखो ऐसा करने का और तेल में छोड़ देने का। ये देखो देखो अभी भी देखो ये कवर हो जाता है, कवर सैंडविच के लिए। अपनी कढ़ाई छोटी है ना, ज्यादा नहीं बनेगी, 4 ही बनेगी। ये देखो अभी मैं वरे बनाई ना, थोड़ा 1 चम्मच तेल डाली, हाँ देखो कैसा अच्छा लगता है, तो ऐसा अच्छा लगता है। ये देखिए एकदम टेस्टी वड़ा पाव। ये देखो मेरे 4 वड़े बने, ऐसा पाव को गर्म करने का, देखिए ऐसा जरा लाल लाल करने का, और फिर उसके अंदर वड़े डालने के, चटनी लगाने की, सॉस लगाने का, हरी चटनी लगाने की, जो आपको जैसी चटनी चाहिए वैसी, मायोनीज की चटनी लगाने की, कल मैं आपको दिखाई ना मायोनीज की चटनी, वैसी भी चलेगी खाने का। वड़ा पाव सैंडविच गर्मा गर्म बन के तैयार है, गर्मा गर्म रोज़ा खोल के खाओ, खुशी से खाओ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।